हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको डेली के इंट्राडे स्टॉक्स के टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो हमने आपको तीन स्टॉक्स दिए थे, इंडिगो पेंट्स, बीएफ यूटिलिटीज और एमएचआरआईएल, इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और हमारे लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी दिए। तो अगर आपने आज ट्रेड्स प्लान किए होंगे, साथ के साथ हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग आपने लेवल्स प्लान किए होंगे, तो आपने जरूर आज प्रॉफिट ही अर्न किया होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि कल क्या ट्रेड रह सकता है। तो यानी कि कल, यानी कि 7 दिसंबर 2023 के लिए जो पहला स्टॉक हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो है अशोक लेलैंड। देखिए, अशोक लेलैंड अगर हम यहाँ पे देखें तो एक अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे मार्केट ने इसको कल ब्रेक करने की कोशिश करी थी। ब्रेक करने के बाद हमें एक डोजी देखने को मिला, उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें अपसाइड का मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। आज भी मार्केट कॉन्टिन्यू भी ऊपर की तरफ बढ़ी है, लेकिन अगर आप आवर्ली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड भी बन रहा है, छोटा सा अप ट्रेंड बन रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो लेवल है हमारा ग्रीन लाइन, अगर आप ये जो पीक्स है इन लोगों इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लेवल मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये जो ग्रीन लाइन है 177.05 की, ये भी मार्केट को होल्ड कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें देखिए यहाँ से मेजर करेंगे डिस्टेंस को, ये हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और ये डिस्टेंस हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सेम डिस्टेंस जो है हम नीचे की तरफ भी रखेंगे। लेकिन डिस्टेंस रखने का मतलब ये नहीं है कि यही हमारा टारगेट हो गया, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करके अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखना है। देखिए, हमारा जो लेवल है यहाँ तक आ रहा है 174.40, और इसके बिल्कुल पास में सामने यहाँ पे एक सपोर्ट बना और यहाँ पे भी सपोर्ट बना। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि इनकेस अगर मार्केट नीचे गिरी और हमारे टारगेट को अगर हिट नहीं भी किया तब भी हमारा जो लेवल है वो हमें मिल जाएगा और हमारे को एक मैक्सिमम प्रॉफिट पे हम अपने ट्रेड को बंद कर पाएंगे। तो 174.60 इसमें सेल साइड का टारगेट रहने वाला है। अपसाइड पे भी हमें ऐसे ही करना है, हमें एक ऐसा लेवल देखना है जो मार्केट को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये लेवल देखिए, यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना तो यहाँ पे हमें फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 178.85 हमारा अपसाइड का टारगेट रहेगा। तो अशोक लेलैंड में सबसे पहले आप ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, ट्राइंगल जिस भी साइड पे ब्रेक होगा उस साइड पे हमें ट्रेड प्लान करना है और बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग हमें कल करनी है। तो ये था अशोक लेलैंड। नेक्स्ट स्टॉक हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो है डॉक्टर रेड्डी। डे के चांसेस स्टार्ट करेंगे यहाँ पे भी। डे के चार्ट पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मार्केट एक नीचे की तरफ गिर रही थी, इसको मार्केट ने ब्रेक किया स्ट्रॉन्गली, मार्केट ने अप मूव लिया और ये अप मूव जो है ये भी एक ट्रेंड में लिया है। ठीक है, अगर हम आवरली चार्ट पे स्विच करते हैं तो यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत स्ट्रॉन्गली इस लेवल से सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक होगी तभी हमें सेल से ट्रेड प्लान करने को मिलेगा, अदरवाइज सेल से ट्रेड प्लान करना कल डॉक्टर रेड्डी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए अगर हम डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और ये सपोर्ट अगर टूट जाएगा ऊपर की तरफ, सॉरी रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 5811 का। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्लैंट कर देंगे नीचे की तरफ ले आएंगे 5806 का। सो फर्स्ट टारगेट रहेगा 5806 का, इसके ऊपर भी अगर मार्केट चली गई जिसकी पॉसिबिलिटी कम ही है तो 5880 हमारा नेक्स्ट लेवल रह सकता है। सेल साइड पे आने के लिए हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने की वेट करनी होगी, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 5670 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ काफी ज्यादा, तो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही है मार्केट, तो ये हमारा एक टारगेट रहेगा। इसके भी नीचे अगर मार्केट गिरती है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा अराउंड 5628 का। तो इस लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 2633 हमारा लेवल रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए सेल साइड के लिए और बाय साइड के लिए, जिस भी लेवल पे मार्केट काम कर रही होगी। अगर मार्केट ने अपना ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 75742 का, 39 का, अगर ये ब्रेक कर दिया तो हमें बाय साइड ट्रेड प्लान करना होगा, अगर मार्केट ने ये ट्रेड लाइन ब्रेक कर दी तो हमें सेल साइड ट्रेड प्लान करना होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्रॉफिट मार्केट से अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।